Good evening, ladies and gentlemen. This is Hassan Akhtar Nisar, your host. And today I'm going to launch a series of lectures on English language and literature to help the candidates who are preparing for the PPSC lectureship and later on the interview as well. And this is the first lecture in this regard. And for this first lecture, I have chosen my favorite age, the age of Romanticism or the Romantic period, because I personally love this period and I have been a keen and a severe kind of a fan of John Keats and Shelley and, you know, William Wordsworth, etc. So I'm going to explain to you with the pictures and slides this romantic period with all its aspects to help you understand it better, okay? So that you could understand easily and cover this topic. And for the ease of all kind of students, I have decided to use both the languages, Urdu and English, so that every kind of candidate should understand. You know, there are people who don't understand English at that much, so I'll be using Urdu as well. So let's see what we have here. हम शुरू करते हैं जी द रोमांटिक पीरियड जो कि ऑलमोस्ट 40 साल तक रहा था. आपको याद है जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, वहाँ से लेकर ये ऑलमोस्ट कोई 1830 या 1832 तक. और इससे पहले आपको याद हो ऑगस्टन एज या जिसको एज ऑफ रीज़न कहते हैं. ये एक्चुअली जो रोमांटिसिज्म है ये एक रिएक्शन था एज ऑफ रीज़न पे. लाइफ वॉज चेंजिंग अलॉट, यू नो, सोसाइटी बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बस आने ही वाला था. अभी उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी. बड़े बड़े टाउन्स डेवलप होना शुरू हो गए थे, बड़े बड़े सिटीज़ बनना शुरू हो गए थे. गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड का अनाउंस कर दिया था, हर बंदा ट्रेड कर सकता था. और एक्चुअली वो जो पहले तरीका था ना कि नवाब और जो बैरन टाइप के लोग और नाइट्स या इस तरह के बड़े बड़े जागीरदार ही अमीर होते थे, अब वो बात नहीं रही थी. अब लोग ट्रेड करते थे और आम जो गरीब लोग थे वो भी बड़ी तेज़ी से आगे निकल रहे थे, वो भी अमीर हो रहे थे. सो इट वाज अ काइंड ऑफ न्यू डेमोक्रेसी. तो ब्रिटिश सोसाइटी जो थी वो तीन डिफरेंट फेजेस में, तीन डिफरेंट टाइप्स में तकसीम हो चुकी थी. फर्स्ट वाज द लैंड ओनर्स एंड द एरिस्टोक्रेसी, यू नो, जो सबसे अमीर लोग थे, वज़ीर और ज़मींदार जागीरदार टाइप के जो लोग थे वो. अब ये लोग कई दहाइयों से, कई सदियों से हुकूमत करते आ रहे थे, बड़े बड़े ओहदे उनके पास थे और एक तरह से गवर्नमेंट ही उनके पास थी. अब दूसरी टाइप की जो नई क्लास उभर रही थी, जो ग्रो अप कर रही थी, वो बिजनेसमैन थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे. यानी अब चूँकि बिज़नेस इंडस्ट्री जो थी वो तेज़ी के साथ फ्लरिश कर रही थी, तो वो लोग जो बिज़नेस करते थे उन्होंने वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और वो भी अब वज़ीरों मशीरों के शाना बशाना खड़े होते जा रहे थे. और तीसरी टाइप की जो क्लास थी वो थी आम लोग जो मेहनत मजदूरी करते थे. ओके डियर लिसनर्स, बिफोर वी जंप टू द डिफरेंट पोइट्स एंड नॉवलिस्ट्स एंड अदर राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म. के वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर रोमांटिसिज्म जो पीरियड है वो बेस करता है, ठीक है. तो पहली बात तो वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक जो कन्वेंशन थी, जो इससे पहले का दौर था, जो एज ऑफ रीज़न के तौर पे जाना जाता था, जिसमें कन्वेंशनल लाइफ बहुत ज़्यादा हावी थी, उसके रिएक्शन के तौर पे था, ठीक है. तो वो एक ऐसी लाइफ थी जिसमें गरीब आदमी की कोई पहचान नहीं थी, ना ही उसका कोई किरदार था. वो सिर्फ़ नवाबों, अमीरों और शहजादों और वज़ीरों की ज़िंदगी थी. अगर आप याद करने की कोशिश करें अलेक्ज़ेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक, तो उसमें आपको कहीं भी आम जिंदगी या देहाती लोगों के बारे में या आम बंदे का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता. दैट वॉज ऑल अबाउट, यू नो, द डांसिंग बॉल्स एंड द पार्टीज एंड द रिच ब्यूटिफुल वुमेन डूइंग द मेकअप एंड ऑल द स्टफ, यू नो, वो सब कुछ इस बारे में था. बट द रोमांटिसिज्म बेस्ड ऑन द पुअर लाइफ, ऑन द इंडिविजुअल लाइफ, ऑन द विलेज लाइफ एज वेल, इट टॉक्स अबाउट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द विलेज लाइफ, रदर अ सिंपल लाइफ. यू नो, आई कैन रिमेंबर वन ऑफ द वर्सेज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वेर ही सेज, एंड दिस इज माई बिलीफ दैट एवरी फ्लावर इन्जॉयज द ब्रेथ इट टेक्स, यू नो, दिस इज माई फेवरेट. मतलब वो कहते हैं कि मेरा ये यकीन है कि हर फूल जो सांस लेता है, हर फूल जो जिंदा है,
वो अपनी ज़िंदगी को महसूस करता है। और रोमांटिसिज्म जो थी ये जोर देती थी कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर, यानी हर इंसान जो आप सांस लेता है, हर इंसान जो अपने काम करता है, हर इंसान जो कोई एक्सपीरियंसेस लेता है लाइफ में, उसे उनको फील करना चाहिए, यू नो। और लास्ट में ये कि रोमांटिसिज्म वाज आइडियलिस्टिक, यानी इसको आइडियलाइज किया गया था। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द रोमांटिक कैरेक्टर। व्हाट अ रोमांटिक कैरेक्टर इज, यानी उस दौर में किस तरह के कैरेक्टर्स लेते थे पोइट्स और नॉवलिस्ट्स। सो देखते हैं जी क्या है। रोमांटिक कैरेक्टर इज एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर पुट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी है और उसको एक एक्सेप्शनल किस्म की सिचुएशन में रखा गया है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस में, उसकी जो कैरेक्टर है मिस एलिजाबेथ बेनेट, सो उसको बड़ा जीनियस और बड़ा एक्सेप्शनल करके बनाया गया है। और वो ऐसी ही सिचुएशन का सामना उसे करना पड़ता है। वो किस लेवल की खातून है और उसे किस लेवल के हालात का सामना करना पड़ता है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोमांटिक कैरेक्टर इज दैट ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड अनसेटिस्फाइड। उसे ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मतलब उसके पास बहुत कुछ है भी लेकिन उसे ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इसलिए वो सुकून की तलाश में कहाँ जाता है, एस्केपिज्म इख्तियार करता है। वो अपनी इमेजिनेशन में जाता है, अपने तसव्वुरात में खोया रहता है और वहाँ से उसे मज़ा आता है, वहाँ से उसे सुकून मिलता है, जैसे जॉन कीट्स की मिसाल आपके सामने है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ही इज़ कॉन्टीन्यूसली फाइटिंग हिमसेल्फ एंड हिज लिमिट्स। वो अपने आप से लड़ता रहता है। अब अगर आप रोमांटिक एज के किसी भी नॉवल्स को ले लें या किसी भी पोइट को ले लें, इवन सब के सब पोइट्स खुद अपने आप से सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है जी दैट ही हैज़ गुड एंड बैड ट्रेट्स। उसके पास दोनों तरह की खूबियाँ हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, यानी जैसे इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्लासिकल्स की तरह एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जिसमें कोई खामी नहीं है और वो बादशाह से नीचे उसको कोई दर्जा ही ना दिया जाए, ऐसा नहीं है। लास्ट सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जो आर्टिस्ट है, यानी जो पोइट है या जो नॉवलिस्ट है, वो एक सुप्रीम बीइंग है, वो एक अरफा और आला किस्म का इंसान है। और ये कि वो रूल्स को फॉलो करने का पाबंद नहीं है, यानी जैसे देखें ड्रामा के हवाले से एरिस्टोटल ने रूल्स बना दिए, टाइम स्पेस में उसको कन्फाइन कर दिया, या पोइट्री के हवाले से पहले जो था उसकी तमाम, जैसे उर्दू में आप समझ लें कि उसका वज़न बहर और उसका ज़मीन वगैरह का ख्याल रखना, तो इस तरह शायर जो है वो एक सुप्रीम बीइंग है। ज़रूरी नहीं है कि वो इन रूल्स को फॉलो करे, वो कुछ भी लिख सकता है जो उसका दिल चाहे, और वर्ड्सवर्थ ने एक्चुअली ऐसा ही किया, एनएसटी कॉलरिज ने भी। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाउ वी टॉक अबाउट द रोमांटिक पीरियड, इसके जो पोइट्स हैं और नॉवलिस्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ याद रखें कि रोमांटिक एज में कोई ख़ास नॉवलिस्ट्स नहीं थे, ये ज़्यादातर काम पोइट्री पे हुआ था, यानी शायर ही पैदा हुए थे इस ज़माने में। एंड इन लिटरेचर रोमांटिक राइटिंग इज़ मोस्टली पोइट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉन्टेड रेवोल्यूशन ट्रू इन पोइटिक लैंग्वेज एंड इन सेम्स विच कंट्रास्टेड विद अर्लियर ऑगस्टन एज, जो मैंने अभी आपको बताया था। रोमांटिक एज इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू फेजेज और टू जनरेशन्स, फर्स्ट फेज और फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे सीनियर पोइट्स हैं विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज। एंड सेकेंड फेज में हमारे पास जो छोटे पोइट्स हैं, यंगर पोइट्स थे, जॉर्ज बायरन, पी बी शैले एंड जॉन कीट्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड द मोस्ट सीनियर पोइट ऑफ रोमांटिक एज, विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 टू 1850 ये उनकी एज है, ऑलमोस्ट कोई 80 साल वो जिए थे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु विद सैमुअल टेलर कॉलरिज हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद दियर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट्स 1798 में। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि रोमांटिक एज का एक्चुअली सतून ही इन दोनों ने रखा था, उसकी बुनियाद ही इन दोनों शायरों ने रखी थी। और कब रखी थी? इससे पहली वाली एज से इख्तलाफ करके और एक नया कॉर्नरस्टोन रख के अपनी किताब लिरिकल बैलड्स को पब्लिश करवाया था। और ये वही है जिसके प्रेफिस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो तमाम कानून बताए थे जिसके ऊपर इन दोनों ने काम किया है। अच्छा, लिरिकल बैलेड्स जो है ये इन दोनों शायरों की एक इकट्ठी किताब है, यानी कुछ पोइम्स वर्ड्सवर्थ की हैं और कुछ पोइम्स कॉलरिज की हैं।
So both the poets before writing lyrical ballads decided to choose two different ways, two different paths, you know. So William Wordsworth was to write in such a way that he will pick up topics from nature, from the ordinary things, but he will present them in such an exalted way that they will look beautiful and ecstatic and the most genius work. अलबत्ते वो आम सी चीज़ें होंगी, जैसे आपको पता ही है सॉलिटरी रीपर में उसने एक आम सी लड़की जो घास काट रही होती है, हम कभी अगर रास्ते में जा रहे हैं और कोई लड़की घास काट रही हो तो हम तो उसको घास ही नहीं डालेंगे, आपको पता ही है. बट वर्ड्सवर्थ ने उस घास काटती हुई लड़की के ऊपर एक ऐसी नज़म लिखी जो कमाल है. आई मीन दोज हु लव पोइट्री, हु कैन फील पोइट्री, दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोइम्स. व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन आई लर्न इट बाई हार्ट. I can remember I gave a presentation on the solitary reaper in my university. My friends of the university can remember that. Okay, तो मैं बात कर रहा था कि वर्ड्सवर्थ ने वो टॉपिक्स लिए जो बिल्कुल आम से हैं, बिल्कुल हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, लेकिन वो उनको इस तरह पेश करेगा, इतनी खूबसूरती से लिखेगा कि हमें लगेगा कि ये तो सुपर नेचुरल हैं, यानी ये तो बड़ी कमाल की बात है. और लगता भी है, मतलब वो सॉलिटरी रीपर को उसने ऐसे पेश किया कि वो लगता है कि वो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो बड़ी बड़ी शहजादियों से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है. एंड ऑन द अदर हैंड एसटी कॉलरिज वुड टेक सुपर नेचुरल themes, supernatural topics, but he will present them in such a way that they will look normal. तो आपको समझ आ रही है, यानी बिल्कुल उन्होंने एक दूसरे से मुखालिफ सिमत के रस्तों का इंतखाब किया. एक ने सादा ज़िंदगी को ऐसे पेश करना था कि वो supernatural लगे, और एक ने supernatural चीज़ों को ऐसे पेश करना था कि वो normal लगें. और इसकी खूबसूरत मिसाल, यानी इस तकाबुल, इस कंट्रास्ट की खूबसूरत मिसाल आप ग्रेजुएशन में जो हमारी एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स है वहाँ से ले सकते हैं. वहाँ हमारे पास दो पोइम्स हैं इन दो पोइट्स की, यानी लिरिकल बैलेड से. एक है द सोलिटरी रीपर 9th नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ की, और दूसरी है कुबला खान, और वो शायद 18th नंबर पे है या शायद 21 पे है, आई डोंट रिमेंबर. वो है एसटी कॉलरिज की. तो एसटी कॉलरिज, आपको पता ही है, उसने सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखा. वो एक कुबला खान का वो बड़ा सा महल, और उसमें गीत गाती हुई दो शीज़ाओं की रूहें और वो सारा कुछ. लेकिन उसने इस तरह बयान किया है कि हमें लगता है कि वो वाकई सच हो सकता है, हालांकि वो सच नहीं है, दैट्स सुपर नेचुरल, बट ही प्रेजेंटेड इन सच अ ब्यूटीफुल वे दैट दे लुक नॉर्मल. सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ लिरिकल बैलेड्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सैमुअल टेलर कॉलरिज की. हिज पोइट्री ऑफन डेल्ट विद द मिस्टीरियस एंड सुपर नेचुरल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स एज आई जस्ट told you. And while Wordsworth looked for the spiritual in everyday subjects, Coleridge wanted to give the supernatural a coloring of everyday reality. जैसे मैंने आपको बताया ना कि supernatural चीज़ों को ऐसा कलर देना चाहता था कि वो हमें आम जिंदगी जैसे ही महसूस हों. And among the most famous poems of S.T. Coleridge are The Rime of Ancient Mariner, which I once studied, and it's a fantastic, fantastic poem. थोड़ी लंबी है, but it gives you real pleasure. उसके बाद जी क्रिस्टबल है कुबला खान, जो कि आप BA में पढ़ के आए हैं सब लोग. और उसके बाद जी An Ode to Dejection है, वो भी बड़ी खूबसूरत poem है. मास्टर्स में पढ़ी थी, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला, बट दैट इट स्टिल साउंड्स इन माय माइंड. डिजेक्शन एन ओड इज अ पोइम रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1802. द पोइम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाज रिटन इन सारा हचिनसन, अ वुमन हु वाज नॉट हिज वाइफ एंड डिस्कसेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हर. यू नो पोइट्स, हमेशा पोइट्स ने लिखा है लेकिन अपनी बीवियों के बारे में नहीं लिखा, अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में लिखा है. सो इस बात पे मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि पता नहीं गर्लफ्रेंड्स पे क्यों लिखते हैं लोग, बीवियों पे क्यों नहीं लिखते हैं. ओके एनीवेज, सो उसके बाद जी बायोग्राफिया लिटरेरिया, दिस इज वन ऑफ हिज फेमस वर्क. अच्छा, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम ये है जो आप देख रहे हैं यहाँ स्लाइड में, बायोग्राफिया लिटरेरिया और बायोलॉजिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस. तो इस तरह की कोई चीज़ आपको पेपर में आ सकती है. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी इन डिस्कोर्स बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज विच ही पब्लिश्ड इन 1817 इन टू वॉल्यूम्स. It has 23 chapters. Now we talk about John Keats. He was among the most famous, most celebrated poets of romantic period.
एंड ही बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सीनियर पोइट्स थे और उसके बाद सेकंड जनरेशन में वी हैड यंगर पोइट्स. सो ही वाज अमंग द यंगर पोइट्स. ही वाज फ्रेंड टू लॉर्ड बायरन एंड शेली. And despite his work having been in publication for only 4 years before his death, he is still the most famous, among the most famous poets in English literature. बेचारा 26 साल की उम्र में मर गया था उस लड़की के लिए जिसने इससे शादी भी नहीं की. एक्चुअली उसका भी कोई कसूर नहीं था. कल मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था, असमा से. वो कह रही थी कि उसे फैनी भी बड़ा गुस्सा आता है. तो मैंने कहा, आपको अगर चांस मिले तो क्या आप टीबी के मरीज़ से शादी कर लेंगी? कहती नहीं. तो फिर मैंने कहा, फिर उसको क्यों गलत कह रही हैं? भाई वो भी गलत नहीं थी. शी लव्ड हिम बैक. आई हैव रेड ऑल द लेटर्स फ्रॉम कीट्स टू फैनी. यू नो दे आर जस्ट लव. They are total love. But I still don't think that Fanny was, you know, incorrect or wrong. She had parents and she couldn't marry a man who was sick and who had no future. Anyways, ये एक different topic है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे. तो अब हम बात करते हैं John Keats के important works पे. Ode on a Grecian Urn, ये उसकी सबसे अहम ode है, ये आपको आनी चाहिए. वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उसे इंटरव्यू पैनल में उन्होंने ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न पे कहा था कि आप कोई लाइन्स बताएं, मतलब कुछ भी 5-7 लाइन सुना दें. उसने कहीं गलती से कह दिया ना कि जॉन कीट्स मेरा फेवरेट है. तो उन्होंने कहा जी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोइम तो फिर यही है, तो इसके ऊपर कुछ सुनाएं. और उस बेचारे को नहीं आया. एनीवेज, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज अ पोइम रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन मई 1819 एंड पब्लिश्ड एनोनिमसली इन जनवरी 1820. यानी उसका नाम पहली पब्लिशिंग में शामिल नहीं था. उसके बाद जी ओड टू अ नाइटिंगेल उसकी दूसरी एक ओड है. Ode to Nightingale is a poem by John Keats written either in garden of the Spaniards Inn. ये किसी इन में उसने लिखी थी. ये भी पढ़ने वाली है. You know, it is said that once he stayed in that inn and while he was sitting in front of the window, a nightingale outside sang songs and he lost in the echo of that song and नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोट दिस पोइम. उसके बाद जी इजैबला है, उसकी पोइम, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद लेमिया है जो कि पढ़ने से ताल्लुक रखती है. लेमिया इज अ नैरेटिव पोइम. नैरेटिव आप देख सकते हैं जैसे एपिक पोइम्स होती हैं. रिटन बाय इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1820. द पोइम वॉज रिटन इन 1819. द पोएट टेल्स हाउ द गॉड हर्मेस हियर्स ऑफ अ निम्फ हु इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल. और उसके बाद फिर गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी, यू नो, वो सब लव अफेयर्स एंड ऑल दैट. उसके बाद द नेक्स्ट पोइम है उसकी द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. एंड पढ़ने के काबिल पोइम है ला बेले डेम सेंस मर्सी. आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस इट बिकॉज दिस इज फ्रेंच. एंड द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इसका तर्जमा है. द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इज अ बैलेड रिटन बाय द इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स. इट exists in two versions with the minor differences between them. The original was written by Keats in 1819. He used the title of the 15th century La Belle Dame Sans Merci by Alain Cartier, though the plots of the two poems are different. Uske baad To Autumn, Ode to Autumn, ye bhi uski poem hai. Hum MA ke syllabus mein padhte hain. Aap sabne padhi hogi, I hope so. Okay, then there is this सेकेंड पोइट ऑफ सेकेंड जनरेशन पर्सी बिश शैली. शैली एक बहुत खूबसूरत नौजवान था. ये भी बेचारा जल्दी मर गया जवानी में ही. मैंने इसको कुछ खास नहीं पढ़ा, 2-3 इसकी पोइम्स पढ़ी थी. दे आर गुड, बट सम ऑफ यू हु हैव रेड हिम अ लॉट नो बेटर देन मी. सो शैली वॉज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट. ही वॉज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड आइडियलिस्ट हु रिजेक्टेड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली चर्च मैरिज एंड क्रिश्चियन फेथ एंड रिबेल्ड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टिरनी. ये वही है जिसने अपने उस्ताद की बेटी से शादी कर ली थी, उसको भगा के ले गया था. अमंग हिज फेमस पोइम्स इज ओड टू द वेस्ट विंड. ये भी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी अपने सिलेबस में. इज एन ओड रिटन बाय पर्सी बिश. अच्छा, अगे वन पॉइंट आई वांट टू क्लियर हियर. अ फ्रेंड सम डेज अगो केम टू मी टू लैंड सम बुक्स एंड ही वॉज सेइंग दैट ही हैज कवर्ड पर्सी बिश शीली. एंड आई वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दिस नेम. आई
requested him to pronounce it again, and he still said Percy Bysshe Shelley. Shelley, sorry. So it's not Shelley, it's Percy Bysshe Shelley. Okay. तो आप लोग जो important poets हैं, novelists हैं, या जो सब important writers हैं, उनके नाम याद कर लें. आपको आने चाहिए, याद ना करें लेकिन आपको सही pronounce करने आने चाहिए. इमेजिन कि आप रिटर्न पास कर लें और इंटरव्यू में जाके आप इस तरह की कोई खच मार दें और उसके बाद आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाएं, तो ऐसा ना करें. यू शुड नो हाउ टू प्रनाउंस द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोइट्स एंड नॉवलिस्ट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स. ओके. एंड अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई वीडियो बनानी चाहिए इस मौजू पे जिसमें तमाम कोई 100+ पोइट्स और ड्रामाटिस्ट्स हों और उनकी तस्वीरें हों साथ में उनकी नाम की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएं. आई विल वर्क ऑन दिस. ओके. सो ओ टू द वेस्ट विंड है. और सो एज आई एडमिटेड दैट आई कुडंट रीड हिम दैट मच, सो आई डोंट नो अ लॉट अबाउट हिम. द नेक्स्ट पोइट इज जॉर्ज गॉर्डन बायरन, लॉर्ड बायरन, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं. ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, अ वेरी ब्यूटिफुल यंग गाय. And among his best known works are the lengthy narrative poems Don Juan and Childe Harold's Pilgrimage and the short lyrical poem She Walks in Beauty. As far as the poem She Walks in Beauty is concerned, this is a worth reading poem. I mean, this is simply amazing. और बाकी रही बात डॉन जुआन, वो भी इसकी बड़ी फेमस है और इसके ऊपर तो काम भी बहुत हो चुका है. ये भी पढ़ने के काबिल है बट मैंने नहीं पढ़ी. सो दिस इज डॉन जुआन. डॉन जुआन इज सीड्यूस्ड बाय द ब्यूटीफुल एंड ओल्डर डोना जूलिया. शी इज टिपिकल ऑफ बैरन स्प्लेंडिड फीमेल पोर्ट्रेट्स, sensual and apparently innocent, always on the verge of tears or ready to faint, and yet strong and aggressive. Above all, she is much more intelligent and cunning than the average man, especially if he is a husband. You know, husbands to वैसे भी बड़े बेचारे होते हैं. Okay, anyways, no character, not even Don Juan, is free of the narrator's irony. So this is full of irony. लें जी, ये थे सारे फेमस पोइट्स हमारे रोमांटिक पीरियड के. उसके बाद कुछ माइनर पोइट्स हैं, जैसे कि जॉन क्लेयर हैं. ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड द सन ऑफ द फार्म लेबरर हु केम टू बी नोन ऑफ हिज फॉर हिज सेलेबरेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड एंड हिज लैमेंटेशन ऑफ हिज ऑफ इट्स डिसरप्शंस. उसके बाद जी रॉबर्ट बर्न्स हैं, इस दौर के अहम पोइट. इनको भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ. जेन ऑस्टन आ जाती हैं जी नॉवेल्स में. वेल, शी वॉज अ राइटर वर्थ रीडिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स. बॉयज डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन इट. आई पर्सनली डिडंट फाइंड दैट मच इंटरेस्ट बिकॉज शी इज़ अ लिटिल बोरिंग. आई मीन, वही बेचारी के पास 5-7 थीम्स होते हैं, वही एक स्टोरी होती है, कपल्स कुछ लेती हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं और इस तरह चलती रहती है और ड्रामा खत्म हो जाता है. दैट्स व्हाट हैपन्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और ये सारे एक ही तरह के हैं. सो आई नेवर, लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि आई टुक दिस जेन ऑस्टन एज द टॉपिक ऑफ माई interview. You know, when the chairman asked me what was my favorite genre of literature, I said novel, particularly Jane Austen. You know, I was very cunning. मैंने इसको इसलिए चूज किया था कि बेचारी की जिंदगी में कुछ है ही नहीं. सादा सी जिंदगी थी, एक बार थोड़ा सा प्यार हुआ था, वो भी नाकाम रह गया. गाँव में रही सारी जिंदगी, शहर में कभी आई नहीं. ना कोई लव अफेयर्स, ना कोई शहरी जिंदगी, ना कोई बहुत बड़ी फैमिली, छोटी सी फैमिली थी, गाँव में रहते थे. और वो 5-6 नॉवल्स थे उसके, जिसकी अगर डिटेल्ड समरी पढ़ लें तो काफ़ी है. सो इसलिए लिया था क्योंकि को कवर करना आसान था. बट आई अगेन क्लेम दैट शी इज बोरिंग. आप यू कैन डिसएग्री विद मी, बट आई एम शेयरिंग माय फीलिंग्स. तो अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट जेन ऑस्टन के नॉवल सेंस सेंसिबिलिटी, एमा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस की डिटेल्ड समरी जरूर पढ़िएगा, और उनमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम आपको आने चाहिए. उसके बाद जी सर वॉल्टर स्कॉट हैं, ये भी नॉवलिस्ट थे, हिस्ट्री पे मोस्टली नॉवल लिखते थे. इनको भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ, सो आई डोंट नो दैट मच अबाउट हिम. उसके बाद जी मैरी डब्ल्यू शैली हैं, ये हमारे शैले साहब की बीवी थी. वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामाटिस्ट, एसिस्ट, बायोग्राफर एंड ट्रैवल राइटर. उसके बाद जी ये लास्ट में आते हैं विलियम ब्लेक, जो कि पोइट थे. वो भी नेचर के ऊपर लिखते थे. वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर, प्रिंट मेकर, लार्जली
अनरिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी अपनी ज़िंदगी में उस बेचारे को कभी फेम नहीं मिल सकी, जैसे उन दिनों में एसटी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स वगैरह का नाम था पूरे इंग्लैंड में, बट ही वॉज समथिंग लाइक हिडन, ये बाद में इनको फेम मिली. ब्लेक इज़ नाउ कंसिडर्ड अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज. सो हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एक पढ़ने वाली किताब है. बहुत ही सादा से थीम होते हैं इनके, सादा सी जुबान होती है, बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में. लास्ट में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म. ओके, सो क्लासिसिज्म में क्या है जी, प्रेजेंट्स एन आइडियल स्टैटिक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इसमें बड़ी स्टैटिक और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात की जाती है, जबकि रोमांटिसिज्म में प्रेजेंट्स अ यूनिवर्स डिटर्मंड बाय द मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री विच इज़ फैंटास्टिकल एंड सब्जेक्टिव. क्लासिसिज्म में जी हैज़ आइडियल कैटेगरीज एंड इटर्नल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, जबकि रोमांटिसिज्म में द नेचर ओवरवेम्स द कैरेक्टर. उसके बाद जी क्लासिसिज्म हैज़ एन अब्स्ट्रैक्ट इक्विलिब्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मॉरल कैरेक्टर्स. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज रोमांटिक पीरियड एंड दैट्स इट आई हैव टुडे. इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड informative, please let me know in the comment section. And ये भी बताएं कि अगर आपको इससे वाकई कुछ फ़ायदा हुआ है या इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आई है, तो I would make different videos on all the different ages and movements and you know all that stuff that we need in the written test. और साथ में वो जो मैंने कहा था कि poets और उनके नाम, जिन लोगों को सही नाम प्रनाउंस नहीं करने आते, उसके बारे में भी बताएं. इफ़ यू फील अ नीड फॉर दैट, आई विल वर्क ऑन दैट वीडियो टू. ओके, दिस इज़ हसन अख्तर निसार स्पीकिंग फ्रॉम हिज होम. सी यू नेक्स्ट टाइम.